जिले में इन दिनों लगता है कि पुलिस का खौफ समाप्त हो चुका है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, आरोपियों के ना पकड़े जाने से जहां क्षेत्रों में तनाव की स्थिति है, वहीं झूठे मामले दर्ज कर निर्दोषों को फंसाने के चलते विरोध भी हो रहा है। जिले में चोरी लूट की घटनाएं आम हो गई हैं। घर गृहस्थी का सामान से लेकर जानवरों तक की चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस के हाथ आरोपी नहीं लग रहे हैं। जिले में बढ़ते मेडिकल नशे, बेरोजगारी इन अपराधों की मुख्य वजह है। एक तरफ पुलिस प्रशासन मीटिंग कर अपराधों को रोकने की बात करता है, दूसरी तरफ विगत कई दिनों से गौरव दिवस मनाने में व्यस्त है। वहीं आम जनता भयभीत है। शनिवार को अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो हत्याओं से जहां सनाका खिंच गया, वहीं दो जगह गोली चलाकर अपराधियों ने पुलिस की नींद उड़ा दी। हालांकि अगर यह कहें कि पुलिस की नींद कम और आम जनता की नींद ज्यादा उड़ा रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के छुईया घाटी धोपखरी नाला के पास जहां हत्या कर युवक का शव छिपा दिया गया था, वहीं शहर के बीचों बीच जन्मदिन की पार्टी मना रहे युवक पर प्राणघातक हमला कर सनसनी फैला दी गई, जिसके आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वहीं दर्जनों चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर गहने चोरी कर लिए गए। बिछिया थाना क्षेत्र में राह चलते लूट की घटना घटित हुई है। 24 घंटे में हुई घटनाओं की अगर बात करें तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र मार्तंड स्कूल तिराहे में संचालित कनोडिया पेट्रोल पंप में गोली चली, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। हालांकि दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि कनोडिया पेट्रोल पंप का गनमैन अजय सिंह निवासी बरौधा थाना सतना के द्वारा हवाई फायर किया गया था। विवाद की वजह कार चालक देवकरण सिंह और अमित मिश्रा के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान गनमैन ने हवाई फायर कर दिया। कहने का मतलब यह है कि शहर में गोली चलने जैसी घटना अब आम बात हो गई है। बदमाश जहां सुने आवासों को निशाना बना रहे हैं, वहीं अब कॉलेजों स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। घटना चौरहटा थाना क्षेत्र के रानी कॉलेज की है, जहां घुसे बदमाश कंप्यूटर वाटर कूलर सहित अन्य सामान चुरा ले गए। घटना की जानकारी दूसरे दिन हुई तो प्रबंधन ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस बदमाशों की तलाश करने की बात कह रही है। अब तलाश कब तक हो पाती है यह नहीं कहा जा सकता। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में ही मोटरसाइकिल में रखे बैग से सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए। बताया जाता है कि पीड़ित सुखरानिया साकेत मोटरसाइकिल से बगदरा सतना जा रही थी, जिसके साथ चोरी की घटना घटित हुई है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। हत्या चोरी लूट की घटनाएं आम हो गई हैं। वहीं सिमरिया थाना क्षेत्र के बरहा निवासी श्याम बाई द्विवेदी के घर घुसे बदमाशों ने मार पीट कर सोने चांदी के आभूषण लूट ले गए। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में सनाका खिंच गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि लाखों रुपए कीमती सोने चांदी के जेवर बदमाश लूट कर चंपत हो गए। कुल मिलाकर अगर यह कहें कि इस समय जिले में आम जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सड़क चलते जहां लूट की घटनाएं घटित हो रही हैं, वहीं घरों में भी दिन दहाड़े घुसकर बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड में दंपति के साथ लूट की घटना घटित हुई है, जिसमें महिला से सोने चांदी के जेवर बदमाश छीन कर रफ चक्कर हो गए। पीड़ित थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस तलाश करने की बात कह रही है। पुलिस की तलाश कब पूरी होती है यह कोई नहीं कह सकता। हद तो यह है कि जिले में आए दिन भेड़ बकरियों की चोरी हो रही है। लौर थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा निवासी बुद्धसेन पाल के घर बंधी आधा सैकड़ा बकरियां चोरी हो गई, जिनकी कीमत लाखों में बताई जाती है। सुबह जानकारी हुई तो पीड़ित थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि रीवा जिले में आधा सैकड़ा इस तरह की चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन जानवरों को चोरी करने वाले आरोपी पकड़ से दूर हैं, जिसके चलते पशुपालक भी भयभीत हैं। सुहागी थाना क्षेत्र के चिल्ला निवासी निर्मला गुप्ता के घर बड़ी चोरी की वारदात हुई है। सोने आवास का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। पीड़ित वापस घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस तलाश करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ ली है, लेकिन आरोपियों के ना पकड़े जाने से क्षेत्र में भय व्याप्त है। जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, जुआ सट्टा का कारोबार जहां चरम सीमा पर है, वहीं चोरी लूट हत्या की घटनाओं की भरमार है। अब देखने वाली बात यह है कि गौरव दिवस मना रहा पुलिस प्रशासन का ध्यान इस ओर कब जाता है और कब तक इन अपराधों में रोक लग पाती है।